व्हाट्सएप बनाए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप एक चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स दे रखा है, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसको आपको सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले पेपर पे जाने से पहले हम उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम को समझना जरूरी इसलिए होता है स्टूडेंट्स, ताकि आपको पेपर में आपकी प्रायोरिटीज़ पता रहे कि आपको कौन सा पहले सॉल्व करना है और कौन सा बाद में। तो यहाँ पे सबसे आपको पहला पॉइंट दे रखा है वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखी है। तो नॉलेज के बेस पे आपको 30 मार्क्स का पेपर में दिया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 50 मार्क्स का होगा पेपर के अंदर, और एप्लीकेशन आपको 20 मार्क्स के एग्जाम्स के अंदर दी जाएगी। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स, और परसेंटेज भी कितनी होगी आपकी, 100% आपका टोटल कवर हो गया। अब यहाँ पे वेटेज देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका दे रखा है MCQ जो है वो 10 MCQ आएंगे और एक MCQ 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 10 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर जो होंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए 15 मार्क्स। शॉर्ट आंसर जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स ईच, तो ये आपका हो गया टोटल 20 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, जो टोटल हो गया आपके 25। वेरी लॉन्ग आंसर 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, टोटल हो गए 30। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो कितने हो गए 100। तो यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड टाइम बता रखा है कि आप ये 10 मिनट में करेंगे, ये 25 मिनट में, ये 30 मिनट में, 50 मिनट में, 50 मिनट में, आपका 180 मिनट आपका कवर करके दिखा रखा है। बट इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। थर्ड आपका बता रखा है वेटेज बाय कंटेंट। तो आपकी जो बुक के अंदर है उसमें मॉड्यूल्स दे रखे हैं आपके, टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं ये, इसमें बता रखा है आपका कितने मार्क्स का कितने का मॉड्यूल आएगा। तो पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये आपका 12 मार्क्स का दे रखा है। सेकंड है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 15 मार्क्स का है। थर्ड है सर्विस सेक्टर, ये आपका दे रखा है 25 मार्क्स का। बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका दे रखा है 20 मार्क्स का। कंज्यूमर अवेयरनेस आपका 16 मार्क्स का। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस दे रखा है आपको 12 मार्क्स का। और प्रोजेक्ट वर्क आपका यहाँ पे नील दिखा रखा है, तो मतलब प्रोजेक्ट वर्क में से आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन एंड 8 प्रिंटेड पेजेस, में 30 क्वेश्चन है और 8 पेजेस हैं। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करेंगे, आपका पेपर का कोड नंबर ये दे रखा है, सेट आपको ये दे रखा है ए। तो बिजनेस स्टडीज़ व्यवसायिक अध्ययन का कोड नंबर है 215, जिसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, 2 टीचर्स के साइन, इन्विजिलेटर के साइन आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है उसको पहले पे फटाफट रीड कर लेते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो हमने पहले वाली वीडियोस में जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा बता रखा है। तो फर्स्ट वाला है आपको अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना है, जो भी हम लिख चुके हैं। सेकंड है कि आपको वेरीफाई करना है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही हैं, अभी हमने देखे थे 30 क्वेश्चन और 8 पेजेस, आपको ये वेरीफाई करना है। और क्वेश्चन आपके सीक्वेंस में हो, जैसे 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में हो, ठीक है। अब थर्ड है आपका जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें आपको ABCD आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको आंसर शीट में अंदर, अपनी आंसर बुक के अंदर ABCD करके उसके सामने उसका आंसर भी लिखना है, तो प्रॉपर इंडिकेशन देनी है। फोर्थ आपका दे रखा है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, वो आपको 3 आवर्स में ही आपको काम करना है, उसका भी सॉल्व करना है उसको भी। फिफ्थ दे रखा है आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क अपनी आंसर बुक में नहीं बना सकते, आप कहीं भी रोल नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेज पे आपका रोल नंबर का सेशन है, आपने सेकंड पेज पे लिख दिया थर्ड पेज पे, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये NIOS के रूल्स हैं। सिक्स दे रखा है आप अपनी क्वेश्चन पेपर पे, जो क्वेश्चन पेपर एक कोड दे रखा है और सेट ए दे रखा है, ये अपनी आंसर बुक में जरूर लिखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको 7th एक मेजर पॉइंट दे रखा है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, बट यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस दे रखी हैं, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। आप उसमें भी अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी आंसर बुक में वो लैंग्वेज जरूर लिखेंगे कॉलम में कि आप कौन सी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक मीजरी दे रखी है, यहाँ पे मतलब कि इफ़ यू चूज़, अगर आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करते हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरर मिस्टेक्स के, फिर समझने में कोई दिक्कत होगी, उसको जैसे मार्क्स कट गए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, NIOS का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्लो स्लाइड कर देता हूँ, आप ये इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में देख सकते हैं आराम से। तो अब हम चलते हैं आगे पेपर की तरफ। तो पेपर यहाँ से होता है आपका स्टार्ट। तो बिजनेस स्टडीज व्यवसाय का अध्ययन 215 कोड, आपको 3 आवर्स मिले हैं और टोटल मार्क्स हैं आपके 100। आपको सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो हर क्वेश्चन के आगे दिए हुए हैं।
तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक मार्क्स का है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोफेशन, इनमें से कौन सा पेशे का विशेषता नहीं है, ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं है आपका, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसमें है नो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। कैसे, आप स्पेशलिस्ट होंगे अपने प्रोफेशन में, बिल्कुल सही, लिमिटेड कैपिटल हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोफेशनल हो, फिक्स्ड प्रोफेशनल फीस, आपकी पर्सनल फीस ऑफ फीस जो फिक्स है, ओके, बट नो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, आपका एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आप इस पर टिक लगा दोगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब सेकंड दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल कमोडिटीज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, जो शीघ्र खराब होने वाली सामान की वस्तु है उसको थोड़ी दूरी तक पहुंचाने के लिए कौन सा जो है आपका माध्यम सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, तो मेरे हिसाब से जो है उसका आंसर है रोड, बाय एयर आप भूल जाओ, बाय रेल भूल जाओ, और बाय वाटर भूल जाओ, तो रोड ही है जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए बेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है इसके अंदर, और आप अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगे आप MCQ कर सकते हैं। तो थर्ड दे रखा है निरंजन को, अब मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, निरंजन ने क्या करा, इंश्योरेंस कराई फायर के अगेंस्ट 5 लाख रुपए की, और एक दिन सच में आग लग गई। अब उसने क्या करा, उसके 70,000 रुपए के वैल्यू गुड्स जो थे, मतलब उसका सामान था, वो जल गया। अब कंपनी ने क्या करा, 5 लाख का इंश्योरेंस था उसको नहीं लिया, सिर्फ 70,000 रुपये जो गुड्स चले हैं सिर्फ उसी के पैसे देगी वो, तो वे अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बीमा के किस सिद्धांत के अंदर कंपनी ने ये डिसीजन लिया, तो इन चारों में से आप चुन सकते हैं अपना सही आंसर। चौथा दे रखा है अ ट्रेडर ऑफ इंडिया हैज इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम कैनेडा, अब एक इंडियन इम्पोर्टर ने क्या करा कि कैनेडा से सामान मंगाए, और वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज, आपकी जो टैक्स ड्यूटीज होती हैं कुछ, वो एकदम से पे कर सके, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था, तो किस वेयर हाउस के अंडर उसके सामान को रखा जाएगा, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस और कॉरपोरेटिव वेयर हाउस, तो आप इसमें देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इसमें सुटेबल आंसर अपना टिक कर सकते हैं। फिफ्थ दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, आपका जो डाक द्वारा व्यापार का है उसमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से आप चुन सकते हैं। अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये सब MCQ चल रहे हैं, सारे एक एक मार्क्स के, आपको पता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ सेल प्रमोशन, निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन की विधि है, तो इसमें से आप अपना चुन सकते हैं, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट, पब्लिक पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग। अब हम चलते हैं 7th वाले पे, 7th में क्या है, स्टेट कंज्यूमर कमिश्नर हैज द ज्यूरिडिक्शन टू डील विद द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और द कंजम्पशंस कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड, राज्य उपभोक्ता उपयोग आयोग उन शिकायतों को देखता है जिन्हें वस्तु का मूल्य अथवा मुआवजा डैश के अधिक ना मिला हो, तो कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, इनमें से कौन सी होती है, ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। कंज्यूमरिज्म इज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय, कंज्यूमरिज्म जो है वो किसने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर्स ने, प्रोड्यूसर ने, या फिर सोसाइटी ने, तो यहाँ पर आप इनके देख सकते हैं, आप जो सुटेबल होगा वो आप इनके फिल कर सकते हैं। 10 MCQ हैं, आपका 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की कौन सी इनमें से वो स्टेटमेंट ट्रू है एंटरप्रेन्योर के लिए, तो आपको ये एक मार्क्स देगा। आगे चलते हैं, आपका लास्ट है ये आपका MCQ, इसमें है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स, स्वरोजगार का क्या तात्पर्य है, तो इनमें से आप चुन सकते हैं जो भी आपका ऑप्शन है, तो ये आपका लास्ट MCQ था। अब आपके क्या हो गए, आपके शॉर्ट आंसर शुरू हो गए। अब यहाँ पर क्या है, आपका 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म प्रोफेशन एंड गिव इट्स 2 examples, आपका 3 marks का है, पेशे शब्द को समझाइए तथा इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। 12th है आपका एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेट बैंकिंग, जो आपका नेट बैंकिंग है उसकी कार्यप्रणाली को समझाना है, ये आपके 3 marks का है। 13 एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, तो प्रतिस्थापना के सिद्धांत को आपको संक्षेप में समझाना है, तो ये आपका 3 marks का है। 14th क्वेश्चन आ जाता है आपका डिस्क्राइब एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के किन्हीं 3 उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है, ये आपका 3 marks का है। 15th एक्सप्लेन प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शंस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, लेन देन के प्रमाण को उपभोक्ताओं का एक उत्तरदायित्व के रूप में समझाना है, तो ये आपका 3 marks का है। तो अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं 4 marks से क्वेश्चन। मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेसन्स को अच्छे से 2-3 बार रीड कर रखा है तो आप उससे रिलेटिव चीज़ भी लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है और आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर हिंदी अच्छी है, आपको वर्ड जोड़ जोड़ के आंसर बनाने आते हैं,
तो मान लीजिए आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना ये, और आपने इसको नहीं आता और आपने इसको बना के लिख दिया, तो आपको 3 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो बना कर लिखने में आपके मार्क्स नहीं कटते, तो आपको नॉलेज है तो आप प्लीज़ उसको बना के लिख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी मतलब बुक का ही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑफ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस, और आपको ये भी बताना है कमेंट में कि आपको और कौन से सब्जेक्ट की नीड है, तो हम उसके बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे। तो 16 क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रेजेंट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव रोल ऑफ बिजनेस टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में व्यवसाय की निवारणात्मक और उपचारात्मक भूमिका को आपको वर्णन करना है, ये आपका 4 मार्क्स का है। अब 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस, तो व्यापार का क्या से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज टू करेक्टरिस्टिक्स, इसकी किसी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो ये आपका है 4 मार्क्स का। हिंदी इंग्लिश में आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में देख सकते हैं, और हिंदी का कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख सकते हैं। कभी कभी आपको हिंदी के वर्ड्स टफ लगते हैं और इंग्लिश में देख के समझ आ जाते हैं। 18th वाला दे रखा है, पंकज एंड 4 ऑफ हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। पंकज और उसके 4 दोस्तों ने एक व्यापार स्टार्ट करने का बिजनेस डिसीजन किया। दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग और उनकी ड्यूटीज और राइट्स मतलब उनके जो अधिकार थे उनको एग्रीमेंट पे बना लिया और कंपनी क्रिएट करी। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एनी 3 करेक्टरिस्टिक्स। ये ऑर्गेनाइजेशन का आपको प्रकार बताना है, ये किस क्या स्वरूप है इसका, और इसकी 3 विशेषताएं बतानी है, ये आपका 4 मार्क्स का है। 19 दे रखा है, गिव एनी 4 डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड मनी लेंडर्स। तो बैंक और साहूकार के बीच में आपको कोई भी 4 अंतर बताने हैं, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, बैंक जो होता है कम ब्याज लेता है, साहूकार बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, किसानों पर बहुत अत्याचार करते हैं ये। अब आपका आ जाता है 20, स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। विभागीय भंडार के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर का एक बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं आपका, जैसे मान लिया जाए कि साबुन चाहिए तो एक रैक में साबुन ही की ही वैरायटी होगी, एक उसमें तेल की ही वैरायटीज होंगी, आपको कहीं उधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती, आपको एक जगह पर एक प्रकार का सामान मिल जाता है। एक्सप्लेन एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी की किसी 5 विशेषताओं का उल्लेख करना है, ये आपका आ गया 5 नंबर से स्टार्ट हो गया आपका। 22वां क्वेश्चन है आपका, विनीता इज रनिंग अ मार्केटिंग बिजनेस। विनीता क्या करती है, एक मार्केटिंग बिजनेस चलाती है। शी वॉन्ट टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ सेल पर्सन, वो नंबर ऑफ सेल्स मतलब काफ़ी सारे सेल्स पर्सन को हायर करना चाहती है। एक्सप्लेन एनी 5 क्वालिटीज दैट अ सेल्स पर्सन शुड पोजेस। अब ऐसी 5 विशेषताएं बताइए जो विक्रयकर्ताओं के अंदर सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए, तो ये आपको 5 मार्क्स देगा। अब हम चलते हैं आपका 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। अब भारत में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताओं को संक्षेप में समझाना है, ये आपका है 5 मार्क्स का। 24, स्टेट एनी 5 फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के किसी 5 फंक्शंस को बताना है आपको, एक उद्यमी के किन्हीं 5 कार्यों का उल्लेख करना है। 25th है आपका, इन मैनी वेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मे बी अ बेटर ऑप्शन। जो आपका स्वरोजगार है वो कई तरह से क्या हो सकता है, आपका अच्छा हो सकता है, बट टू सक्सीड इन इट, बट उसमें आगे बढ़ने के लिए वन मस्ट प्रोसेस सम क्वालिटीज, उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। स्टेट एनी 5 सच क्वालिटीज, उन 5 गुणों का उल्लेख करना है आपको, ये आपका हो गया 5 मार्क्स का। 26th क्वेश्चन है, स्टेट एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के किन्हीं 6 लाभों का उल्लेख कीजिए, तो ये आपका है 6 मार्क्स का। एक मैं बता देता हूँ, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं होती तो आज हमें डोमिनोज, ये पेप्सी कोला जो होती है, ये कोका कोला होती है, वो हमें पीने को नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता हमें पिज्ज़ा। 27th है, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, स्टेट इट्स एनी 4 एडवांटेजेस। व्यवसाय प्रक्रिया बाहरी स्त्रोतीकरण के आपको क्या लाभ हैं, क्या से क्या अभिप्राय हैं, और इसके किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख करना है, तो ये आपका 6 मार्क्स का है। 28th है आपका, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वेयर हाउसिंग, भंडारण की आपको आवश्यकता क्यों है, ये आपका 6 मार्क्स का है। 29th क्वेश्चन देखते हैं आपका, 29th क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेल, हायर परचेज बेसिस और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। विक्रय की इन विभिन्न विधियों को आपको समझाना है, किराया, क्रय, परिधि और अनुमोदन पर विक्रय, तो ये आपका क्या है, 6 मार्क्स का है।
थर्ड और लास्ट है आपका डिस्क्राइब द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है उसको वर्णन कीजिए। इसका एक मैं बता देता हूँ कि ये जो है हमें सस्ते दामों पर सामान दिला देती है, इसका इनका क्योंकि इनका काम जो होता है मुनाफा कमाना नहीं होता, ये कंज्यूमर के बारे में, आप उपभोक्ता के बारे में सोचती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो वीडियो है वो खत्म हो चुका है। आपका हर साल पैटर्न यही रहता है, बस हो सकता है कि 19-20 कुछ 15-20 मार्क्स का जो है वो फर्क हो जाए, तो आपका जो पैटर्न है वो यही फिक्स रहता है, बस 15-20 मार्क्स का जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप जो है वो होशियार स्टूडेंट है और आपने पूरा कोर्स पढ़ रखा होगा। और इसी बात पे आप स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से मिलता है हमें मोटिवेशन। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स।